दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदेश के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए सीनियर सिटीजन होम की शुरुआत की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक गृह का उद्घाटन किया और इस मौके पर वो कहते दिखे कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं, उनका ख्याल हम रखेंगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के बुजुर्गों को केजरीवाल की सौगात। सीनियर सिटीजन होम की शुरुआत। दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के सीनियर सिटीजन्स को नया तोहफा दिया है। आज एक और सीनियर सिटीजन होम की शुरुआत की गई। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास रखा गया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने आज एक शानदार सीनियर सिटीजन होम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हमारे जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें हम कभी घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास आज बनाया गया है। अभी मैं घूम के आया, बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। हर चीज का इसमें ख्याल रखा है, कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक एक कमरे में, कईयों को ठूस दिया, एक कमरे में या तो दो रहेंगे या तीन रहेंगे। बड़े बड़े कमरे हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, खेलने की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है, अच्छा खाना है, लाइब्रेरी है, सारी चीजों का ध्यान रखा है। बहुत ही शानदार है सीनियर सिटीजन होम। सीएम केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास जो बनाया गया है वो बहुत ही शानदार है। इसमें हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा गया है। बड़े बड़े कमरों में अटैच शौचालय हैं। एक कमरे में कई लोगों को नहीं रहना होगा। जितने भी जो भी बुजुर्ग यहाँ पे आके रहेंगे, उनको सब किस्म की, वैसे तो अगर अपने घर में ही रहें तो और बहुत अच्छा रहता है, घर जैसी व्यवस्था तो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन हमने कोशिश ये की है भाई, जो अपना घर छोड़ के आके, जिनको मजबूरी में यहाँ रहना पड़ेगा, उनको ये ना महसूस हो कि हम घर छोड़ के आए हैं, हमारे को पूरी सुविधा नहीं मिल रही। ये जो निवास स्थान बनाए हैं हमने, आज ये चौथा बनाए। अभी मेरे को हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि और नौ, टोटल नौ बन जाएंगे दिल्ली में, 1000 के करीब लोग रह सकेंगे, और भी बनाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। तो जितने भी बच्चे जिन बुजुर्गों को नहीं रखते या जिनके बच्चे नहीं है, जिस वजह से भी जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में रहने की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे उनको बुढ़ापे में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार बुजुर्गों को देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाती है। सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। जो बुजुर्ग इन निवास स्थानों में रहेंगे, उन्हें भी हम उनके मनपसंद तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लेकर जाएंगे। दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाती है। कई सारी जगह है, द्वारका जी है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा जी है, कई जगह तीर्थ यात्रा करा के लाती है। आप जहां भी जाना चाहो, अपने आप को रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे जाके, आपको घर से लेके लाना ले जाना, ट्रेन एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा खाना पीना सब फ्री है। अच्छे से बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। बुजुर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा। इस सीनियर सिटीजन होम में विभिन्न प्रकार की सुविधा बुजुर्गों को दी गई है। इसमें खेलने की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है, डॉक्टरों की सुविधा है, अच्छा खाना है, लाइब्रेरी है, सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जितने बुजुर्ग यहाँ पर रहेंगे, उनको ये महसूस ना हो कि घर छोड़ने पर हमें अब सुविधा नहीं मिल रही है। दिल्ली में अभी कुल 4 सीनियर सिटीजन होम्स। कई बुजुर्गों को कई कारणों से घर छोड़ना पड़ता है। कई बार तो अच्छे परिवार के बुजुर्गों को भी घर छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे में हम उनको एक घर के साथ हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में अभी कुल 4 ऐसे सीनियर सिटीजन होम्स हम बना चुके हैं, अन्य पर काम किया जा रहा है। सरकार दिल्ली को कुल 9 ऐसे सीनियर सिटीजन होम देगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।